सभी के हाथ में लगने वाला है बड़ा सबूत। क्या अब यशवंत का होगा पर्दाफाश? वेल, आपको बता दें कि स्टार प्लस के सीरियल कुम्हे किसी के प्यार में के आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे किस तरह से सभी के हाथ में वो सबूत लगने वाला है जिसको अब तक चिन्मय छुपा रहा था। लेकिन उस डब्बे में ऐसा क्या है जिस चीज को लेकर यशवंत इतना परेशान हो गया था? यशवंत ने चिन्मय पर हाथ भी उठाया था, लेकिन उसमें ऐसा है क्या? चलिए बताते हैं। भाई, जैसा कि आपने कल के एपिसोड में देखा कि चिन्मय को काफी मार पड़ी थी। चिन्मय जो है मीडिया वालों के सामने यशवंत की इंसल्ट करना चाहता था, उसे सब कुछ दिखाना चाहता था जिससे वो उसे आए दिन धमकाता रहता है। लेकिन यहाँ यशवंत ने बड़ी ही चालाकी से चिन्मय को अंदर ले जाकर उसे खूब मारा, जिसके बाद पूरा परिवार भी हैरान दिखा। वही सुरेखा और बाकी परिवार वाले जो है सबके सब बेहद परेशान है कि आखिर यशवंत और चिन्मय के बीच में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इतना ड्रामा चलता रहता है, जिसकी वजह से ये दोनों इस तरह एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और इन दोनों के बीच में इतनी नफरत है। ये सारी चीजें चल ही रही है कि इस बीच में सभी जो है, भाई कल आपने देखा किस तरह से सभी इस रूम तक पहुंच गई जो कि चिन्मय के नाम से बुक है। सभी ने यहाँ झूठ झूठ बोला और उस डब्बे को खोल लिया। आप देख सकते हैं इस डब्बे को सभी ने अपने हाथ में ले रखा है और सभी जो है वो कहती है कि अच्छा तो ये राज है जिसकी वजह से चिन्मय दादा हमेशा यशवंत को धमकी देते रहते हैं। क्योंकि आपने देखा है किस तरह यशवंत ने कह दिया है कि तू इस घर में नहीं रहेगा, तो वही चिन्मय ने कह दिया कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं 24 घंटे के अंदर इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। काफी सारी चीजें हुई, यानी कि चिन्मय ने खुलेआम जो है भाई यशवंत को 24 घंटे का टाइम दिया है। अब उन 24 घंटों में ही सभी जो है उसे सबूत ढूंढना था और सभी ने ऐसा कर दिखाया, क्योंकि सभी नहीं चाहती कि भोसले हाउस जो है वो टूटे। अब ऐसे में भाई सभी जो है चिन्मय को फिर से वापस घर में उसका फैमिली मेंबर बनाएगी। जो हक चिन्मय ने खो रखा है वो हक उसे दिलाएगी, क्योंकि यहाँ सभी जो है हमेशा सही के साथ खड़ी रहती है और पूरी फैमिली अब कहीं ना कहीं सभी का सपोर्ट करती नजर आएगी। बात करें सुरेखा की, तो सुरेखा को आपने देखा है कुछ भी हो वो अपने बेटे चिन्मय से प्यार बहुत करती है, और इसी के चलते अब जब सभी चिन्मय के सपोर्ट में इतनी सारी चीजों को प्रेजेंट करेगी तो पूरी फैमिली खुश होने वाली है। शिखा खुश होने वाली है, सुरेखा खुश होने वाली है, लेकिन यहाँ पर यशवंत जो है वो सभी का सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला है, क्योंकि सभी के खिलाफ जाने वाली है। आप क्या कहना चाहते हैं सारी चीजों को लेकर, कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है उस डब्बे में ऐसा क्या है। इसी तरह की टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे भी जल्दी से फॉलो करें।